नमस्कार वेलकम टू वन टीवी न्यूज़ की अपडेट चूस्ते गुजरात लो प्रधानी की मोदी किसान सूर्योदय तो सह मूड प्रतिष्ठात्मक प्रोजेक्टुलनु वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रारंभिंचारु। पगटी पूट रैतुलकु सागुकु विद्युत अंदिंचडमे लक्ष्यंगा गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी इटीवल ई पदकानी प्रारंभिंचारु। ఉదయం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటలకు సాగుకు విద్యుత్ అందించడమే పథక ముఖ్య ఉద్దేశం। పథకంలో భాగంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లతో పాటు మౌలిక వసతుల కల్పనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో 3500 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది। అదే విధంగా అహ్మదాబాద్లోని యుఎన్ మహతా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ పీడియాట్రిక్ హార్ట్ హాస్పిటల్ టెలికార్డియాలజీ మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్రారంభించారు। 470 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో హాస్పిటల్ను 450 పడకల నుంచి 1251 పడకలకు విస్తరిస్తున్నారు। దేశంలో అతిపెద్ద సింగిల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కార్డియాక్ టీచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్గా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సింగిల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కార్డియాక్ హాస్పిటల్గా ఇది నిలవనుంది। ఆత్కే అనేక సపూతోనే దేశ్కో సామాజిక और आर्थिक नेतृत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सूर्योदय योजना के माध्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के बाद अब सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 घंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योगों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर प्रकार की कैपेसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए एक दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। बीते 6 सालों में हार्ट के हृदय के मरीज जिस अस्पताल में